नमस्कारम। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मिखाइल ताल और अनाताली कारपो के बीच हुआ था 1987 में। मिखाइल ताल की अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि वो अपने अटैकिंग चेस के लिए बहुत फेमस थे, और अनाताली कारपो की अगर हम बात करें तो वो अपने पोजिशनल चेस के लिए, और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर गेम में जो ओपनिंग हुई थी कारोकान उसके लिए फेमस थे। तो दोनों के बीच, हालांकि एक ब्लिट्स का गेम था। नॉर्मली हम लोग क्लासिकल और रैपिड को ज़्यादा अहमियत देते हैं एनालिसिस की जब बात करें, तो ब्लिट्स को इतना नहीं, पर फिर भी इसमें कुछ अच्छे पोजीशंस आए थे तो हम क्विकली इसको देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गेम। जो स्टार्ट गेम हुआ था उसमें e4 c6 c4 d5 e कट d c कट d, c into d5 knight f6, knight c3। ये ओपनिंग मूव ऑर्डर है तो हम थोड़ा क्विकली ले रहे हैं। knight into d5 knight f3। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पोजीशन की, तो व्हाइट का मेन एम होता है बाद में d4 खेल के IQP के साथ खेलना, मतलब आइसोलेटेड क्वीन पॉन के साथ खेलना। और ब्लैक के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक e6 या फिर एक g6, जाके फियंचर टू बिशप निकालो आप और उस स्ट्रक्चर में खेलो। नॉर्मली IQP के अगेंस्ट मानते हैं कि फियंचर टू बिशप वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होता है। knight c3 मारा ब्लैक ने इधर, b कट c3। डेफिनेटली d into c3 मार के क्वीन एक्सचेंज करने में कोई पॉइंट नहीं है। g6, यही स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था कि जब आपके अगेंस्ट कोई IQP वाला सेटअप हो या फिर हैंगिंग पॉन्स वाला हो, नॉर्मली इनको भी हम हैंगिंग पॉन्स स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो तो दोनों के अगेंस्ट में फियंचर टू वेरिएशन जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। bg7 bd3 कैसल कैसल knight c6। यहाँ तक आते आते कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। व्हाइट ने रुक e1 खेला, डेफिनेटली बोर्ड पे दो सेमी ओपन फाइल है व्हाइट के लिए, तो उन पे रुक रखना अच्छी बात है। Rook e8 bishop g5 bishop e6। अब ये पहला एक सिचुएशन था जहाँ पे मिखाइल ताल ने जो एक मूव नेक्स्ट मूव खेला वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मिखाइल ताल को खुद पर। और जबकि आप अनातोली कारपो जो कि एक बहुत ही पोजिशनली सॉलिड प्लेयर थे, और कारोगन के स्ट्रक्चर में डेफिनेटली उनको बहुत नॉलेज था, और 75 to 85 वो वर्ल्ड चैंपियन भी रहे थे तो डेफिनेटली उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस था। सो Rook e6 मार दिया यहाँ पे, एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है, बिकॉज अगर आप Fe6 जाते हैं तो Bishop c4 के बाद Qd6 Qe2, और इस पोजीशन में ठीक है वाइट एक एक्सचेंड डाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली। ये दोनों पॉन और फ्यूचर में कभी h4 h5 आ सकते हैं। Rook e1, सबसे बड़ी बात, हर अगली मूव में वाइट थ्रेट जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी आप बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन है मटेरियल वर्सेस एक्टिविटी का। सो knight d8 खेला, Rook e1 Rook c8 knight d2। डेफिनेटली आप knight d2 की जगह bishop cut e6 नहीं जा सकते हैं, बिकॉज उसमें Qe6 Qe6 knight e6 Rook e6 और Rook into c3 के बाद ये पोजीशन डेफिनेटली ब्लैक को विनिंग ही होना चाहिए, बेटर क्या विनिंग ही होना चाहिए। तो इसीलिए knight d2 खेला। knight d2 का नेक्स्ट आइडिया जो है वो e4 पे नाइट को सेट करो, bishop b3। ये नाइट बाद में c3 को भी सपोर्ट कर रहा है, और फ्यूचर में कभी knight g5 भी जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा मैन्यूवरिंग था ये। king h8, बिशप के डायगोनल से किंग को हटाना एक अच्छी बात है, नॉर्मली किंग नहीं रखना चाहिए ऐसे डायगोनल्स में। knight e4 थ्रेट है, queen c7 bishop to b3 e5। जब आपके ऊपर कोई किंग साइड अटैक आए, स्पेशली ऐसा वन साइड क्रिएटेड जो फ्लैंक अटैक है वो आता है, तो सेंटर को ब्रेक करना एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकता है। h4 खेला, हायर लेवल पे बहुत बार इस पॉन को जब पुश करके कोई काउंटर क्रिएट करते हैं तो उसको हैरी के नाम से भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और ed4 के बाद इधर h5 खेला, यहाँ पर एक्चुअली कारपोव ने gh5 मार दिया। gh5 मुझे लगता है पहली सीरियस मिस्टेक थी गेम की, और यहाँ पर Qe5 मारा, और रुक एफ एट सॉरी bishop to c2। bishop c2 के बाद आप देख सकते हैं कि h7 पे बहुत प्रेशर है, आप h6 पुश नहीं कर सकते, bishop into h6 आ रहा है, और नाइट हट के भी थ्रेट आ सकता था। एक्चुअली यहाँ पर एक सिचुएशन थी जहाँ पे 21st मूव पे जब g into h5 मारा था, तो आप इसको पॉज करके वेट करिए और देखिए थोड़ा कि क्या एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड विन निकल रही थी एक्चुअली। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से knight f6 भी एक बहुत स्ट्रांग मूव आ रहा था।
क्योंकि नाइट ऑफ सिक्स को में आप ये तो मार नहीं सकते हैं, क्वीन ई एट, बिशप एफ एट, क्वीन एफ एट मेट हो रही है, और अगर आप ई एफ सिक्स की जगह बिशप इंटू एफ सिक्स मारते हैं तो भी बिशप एफ सिक्स, ई एफ सिक्स और सिंपली विनिंग है। तो नाइट ऑफ सिक्स बहुत ही अच्छा मूव था, जो कि ऑन द स्पॉट बेटर पोजिशन ला लेता, विनिंग पोजिशन ला लेता। लेकिन क्वीन एच फाइव मारा, डेफिनेटली एक ब्लिट्स गेम था, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि सब कुछ, अगर ये रैपिड या क्लासिकल होता तो डेफिनेटली ताल नाइट ऑफ सिक्स चेक कर लेते। क्वीन एच फाइव खेला, रुक एफ एट, बिशप टू सी टू, अब बहुत प्रेशर है, क्वीन ई फाइव, नाइट जी थ्री, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा। हालांकि हालांकि आप देख सकते हैं कि क्वीन ई फाइव से ईवन टारगेट है, मतलब अनसपोर्टेड है, तो आप नाइट रिमूव नहीं कर सकते, बट आफ्टर नाइट जी थ्री, क्वीन ई वन, किंग एच टू, और अब ये सिचुएशन बच नहीं रही है। बल हालांकि वाइट जो मटेरियल वाइज बहुत डाउन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्पेशली दोनों पीस गेम में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ बिशप और पॉन बचा नहीं सकते हैं, जबकि तीन स्ट्रॉन्ग अटैक है हमारे पास, क्वीन डबल बिशप। तो इसके बाद मुझे लगता है ये पोजीशन बहुत ज़्यादा प्लस है वाइट को। फिर भी एक चांस था इसमें, यहाँ पर एक्चुअली एच सिक्स खेला ब्लैक ने, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा डिफेंसिव रिसोर्स अवेलेबल था कि बिशप एच सिक्स आप जा सकते हैं, जिसमें बिशप इंटू एच सिक्स को रूक एफ सेवन आ रहा था, और ये पोजीशन एक्चुअली अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब ऐसा एकदम डेड लॉस्ट नहीं है। लेकिन एच सिक्स खेला यहाँ पे, और एक मिस्टेक किया ब्लैक ने, बिशप इंटू एच सिक्स, किंग जी एट, बिशप इंटू जी सेवन, अब इस गेम में कुछ नहीं रहा ज़्यादा। अगले कुछ मूव्स हुए, रुक एफ एट, क्वीन एच सेवन, किंग टू एफ सेवन, क्वीन जी सिक्स, किंग टू जी एट, बिशप एच सिक्स, और नेक्स्ट मूव मेट हो रहा है। यहीं पे 29th मूव पे कर्पो ने रिजाइन कर दिया था। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था कर्पो की उस ज़माने में, बहुत बहुत टाइम तक उसने चेस वर्ल्ड को डोमिनेट किया, और एक सॉलिड स्टाइल लेके खेलते थे वो हमेशा। उसके बाद भी मिखेल ताल, जो कि उस टाइम सीनियर प्लेयर थे, उनसे उन्होंने ऑलमोस्ट एक हिसाब से देखा जाए तो रुक इन टू ई सिक्स और एच फोर एच फाइव के बाद क्रश कर दिया ब्लैक को, और कारोकान जैसी सॉलिड ओपनिंग को भी उन्होंने अटैक करके बहुत अच्छा चेस खेला उधर। तो डेफिनेटली जब भी मैं नए वीडियोस बनाता हूँ तो ताल के कुछ वीडियोस बनाना एक हमेशा चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है। जैसे कि बहुत सारे इंजन्स भी अगर आप चेक करेंगे ताल के गेम पे, तो आपको बताएंगे कि हर बार कुछ मिस्टेक्स दिखाएंगे वो, लेकिन उसमें जो बात थी वो एक अलग अलग तरह का चेस था। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है हमेशा ताल के गेम एनालाइज करना, और बहुत जल्दी हम और वीडियोस के साथ मिलेंगे। आपके पास भी अगर कोई गेम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँ कि उसको भी देखने की लिए हम एक वीडियो बनाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।